हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सी अकालम, सत श्री अकाल। ठीक है, कैसे हैं आप लोग। एक यार यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, जिसके बारे में जो है काफ़ी सारे बच्चों की क्वारी रहती है रिगार्डिंग द पीजी कोर्स एंड यूजी कोर्स। तो क्या सारी अपडेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्या भैया सारी सीटें भर चुकी है क्या, क्या अभी एडमिशन होने वाले हैं, क्या अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है, क्या सारा सीन रहने वाला है, कंप्लीट के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके काफ़ी लो मार्क्स है, कम मार्क्स है, अभी एडमिशन हुआ नहीं है, तो उनका क्या प्रॉब्लम रहने वाला है, क्या उनका एडमिशन हो पाएगा। तो उसके लिए हमारा जो है पेड काउंसलिंग प्लान चलता है, उसमें आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपके लो मार्क्स भी है तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में काउंसलिंग चलती रहती है, वहाँ पे जब आपका एडमिशन करा देते हैं। उसके साथ ही कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की ओपन काउंसलिंग, साथ में जिस भी कॉलेज में सीटें वैकेंट रहती है न्यू नोटिस आता है, स्पेशली आपको व्हाट्सअप कर दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से। तो यार उसके अंदर आप लोग जरूर से एनरोल कर सकते हो। CUET पेड काउंसलिंग प्लान, जिसका ज़्यादा कोई प्राइज नहीं है, आपके दो पिज्जा के प्राइज के हम आपका कंप्लीट एडमिशन करा देते हैं। तो यार इतना तो आप लोग एफर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके दो पिज्जा के अंदर आपकी पूरी लाइफ बन सकती है, तो इसको आप लोग जरूर से ले सकते हो। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, गूगल फॉर्म दिया गया, जिसके अंदर आप जरूर से एनरोल कर सकते हो। अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना, हमारी टीम आपका स्कोर कार्ड देख के जो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। साथ में बहुत सारे बच्चों से इंडिविजुअल में खुद बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है हम देखते हैं क्या सारा सीन है भैया, एडमिशन का क्या शेड्यूल है। हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑफिशियल जब नोटिस आया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे ये लिखा था कि आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो होगी 10 अक्टूबर को, सेकंड मेरिट लिस्ट 20 अक्टूबर को होगी। लेकिन भैया अभी तो नवंबर चल रहा है, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों तक जो है यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंड कर दिए गए थे। हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जस्ट वो भी नोटिस आ रखा था रिगार्डिंग द कुछ यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह भी चल रहे थे, ठीक है। तो इन सब इश्यूज को देखते हुए अभी तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो नोटिस आए हैं, एक UG की जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है, साथ में एक PG की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है। अब बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे थे, ठीक है, स्पेशली मैंने जिन बच्चों की काउंसलिंग की थी, बहुत सारे बच्चों ने सीटें छोड़ दी, ठीक है, चाहे वो बी फार्मा हो, चाहे वो BSc हो। PG के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका काफी अच्छे DU वगैरह कॉलेज में हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो यार एडमिशन नहीं लेते हैं, राइट। आपकी जो प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट जो मेरिट लिस्ट थी वो 3 नवंबर को रिलीज की गई थी, राइट, PG वाले बच्चों के लिए। तो अब क्या होने वाला है गाइस, क्या अभी एडमिशन होने वाला है, क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी? जी हाँ, बिल्कुल आएगी, ठीक है। थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी, ओपन काउंसलिंग भी होगी, स्पोर्ट एडमिशन भी होगा और आपका भी एडमिशन होगा। जी हाँ, आपको बोल रहा हूँ, हाँ हाँ भाई आपको ही बोल रहा हूँ, क्या यार ऐसे ऐसे ना डिला रहे हो, बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो अभी आगे क्या सारा सीन रहने वाला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज 5 नवंबर हो चुका है, लगातार बहुत सारे कॉलेजों में क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में क्लास स्टार्ट हो गई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऑफिशियल क्लासेस स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजों में क्लासेस स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस अपनी क्लासेस अगस्त से चला रहे हैं, राइट। तो भैया हम क्या करें, क्या हमारे एक साल बर्बाद हो गया, अब हम आगे वाले फ्यूचर में करेंगे क्या, हम करें क्या आखिरकार। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस आखिरकार, तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर, एंड तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी बच्चे काफी ज्यादा सीरियस हैं, तो वो जो बच्चे हमारे पास आ जाते हैं ना पेड काउंसलिंग के अंदर, तो ऑलमोस्ट ऐसे मान के चलो कि उनका तो हम एडमिशन करा ही देते हैं टिल लास्ट राउंड तक, सो डोंट वरी, ठीक है। आपको भी एक अच्छा कॉलेज अलॉट करा देंगे, पेड काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। अब इस कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो ड्यू टू सम जस्ट लाइक फेस्टिवल एंड अदर्स के कारण यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ पाया, लेकिन आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, विद इन दिस वीक के अंदर ही आपको जो है लिस्ट देखने को मिलेगी। और जल्द से जल्द 15 नवंबर लास्ट मान के चलो, 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच ऑलमोस्ट कॉलेजों में जो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। अभी भी जो बच्चे अपने दिमाग के ऊपर ढक्कन लगाए बैठे हैं घर के ऊपर, ठीक है, कि भैया मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अपना फोन उठाओ और कॉल लगाओ हमारी टीम को, आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शंस है वो हम प्रोवाइड करते हैं। जो भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट में नहीं कराते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में कराते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है यार, डोंट वरी, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। और जस्ट इसके रिगार्डिंग भी जल्दी अपडेट आ जाएगा, अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। एंड और क्या अपडेट रहता है भैया, जो भी आपको जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, आपको अपने पोर्टल पे जाना होता है, अपनी फीस पेमेंट करनी होती है, उसके बाद आपको जो है यूनिवर्सिटी थोड़े दिनों के बाद ऑफिशियल बुलाता है ऑफलाइन,
ऑफलाइन आपको जाना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखिए, आपके ट्वेल्थ की मार्कशीट, टेंथ की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका ओबीसी या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जो है रेसिस्टेंट सर्टिफिकेट यानी कि स्टेट का जो होता है, आपके जो सर्टिफिकेट न्यू होते हैं जैसे कैटेगरी का हो गया, रेसिस्टेंट हो गया, ये जो अप्रैल के जस्ट लाइक 1 तारीख के बाद का होना चाहिए या फिर 31 मार्च के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, इस साल का 2022 के साल का, तो वही वैलिड होंगे। उसके बाद आपको जो भी गैप सर्टिफिकेट हो गया एंड मेनी मेनी 2-3 हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल वगैरह वगैरह, ये सारे का सारे प्रिपेयर करके रखो। सीयूटी का स्कोर कार्ड, सीयूटी का एडमिट कार्ड भी वहाँ पे चाहिए होता है। तो इस प्रकार से जो है काउंसलिंग कंडक्ट होती है आप लोगों की। और भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताना। सीयूटी यूजी पीजी के व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट डालते रहते हैं, पीडीएफ वगैरह। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान करो, धन्यवाद।